नमस्कार, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि शिव को यदि हम अर्पित करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोग दूध अर्पित कर सकते हैं, तो शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और पूजा में मन लगता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। और बात करते हैं वृष राशि, तो यदि आपकी वृष राशि है तो शिवलिंग पर दही अर्पित किया कीजिए। दही अर्पित करने से जीवन में प्रगति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान का सुख प्राप्त होता है। और यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप शिवलिंग पर शहद अर्पित कीजिए, क्योंकि शहद अर्पित करने से जीवन की कड़वाहट दूर हो जाती है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। और आपकी यदि कर्क राशि है तो घी अर्पित करना चाहिए, शिवलिंग पर घी अर्पित करने से विजय की प्राप्ति होती है, राजनीति में सफलता मिलती है। और यदि आपकी सिंह राशि है तो शिवलिंग पर पंच अमृत अर्पित कीजिए, पंच अमृत अर्पित करने से दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सरकार से भी लाभ मिलता है। और यदि कन्या राशि है आपकी तो शिवलिंग पर जल अर्पित किया कीजिए, क्योंकि जल अर्पित करने से जीवन में पवित्रता आती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि तुला राशि है आपकी तो शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, दूध अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है, तरक्की की प्राप्ति होती है। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो शिवलिंग पर गुड़ अर्पित कीजिए, इससे दुश्मनों का विनाश होता है और पढ़ाई में मन लगता है, आपके जीवन के दुख दूर होते हैं। यदि आपकी धनु राशि है तो फूल अर्थात पुष्प अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने से आपको सफलता मिलेगी और रिश्तों में खटास भी दूर होती है, इससे प्रसन्नता मिलने लगती है। और यदि आपकी मकर राशि है तो नारियल पानी शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, ऐसा करने से ग्रहों की शांति होती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और सुंदर सा घर बन जाता है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तिल का तेल अर्पित करें, तिल का तेल अर्पित करने से रोग दूर हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति भी होती है। और अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आप चंदन शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, इससे क्रोध शांत हो जाता है और व्यर्थ की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, व्यर्थ के खर्च रुक जाते हैं और भक्ति में मन लगने लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।